तनाव और दुविधाओं की चक्की में साधारण मनुष्य दिन रात पिस रहा है और अपनी इच्छा से पिस रहा है, जबकि हमारे पास 64 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उद्धृत मोक्ष ज्ञान का सागर श्रीमद् भगवत गीता जैसा पथ प्रदर्शक है। श्रीमद् भगवत गीता इस मोक्ष ज्ञान की एक लहर भव सागर में फंसे हम मोहग्रस्त प्राणियों को उस पार लगा सकती है। बस थोड़ी सी आस्था चाहिए अपने विवेक पर और उस परम पिता परमात्मा की दया दृष्टि पर। श्रीमद् भगवत गीता का सार यही कहता है, यदि जीव अपनी विचार शक्ति एवं कर्म शक्ति के बीच अनुकूल संयम एवं तालमेल बिठा ले तो निश्चय ही वो सफल कर्मयोगी बन जाता है। दुविधाओं, तनावों और चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है, वैसे ही जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मिली थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक सीधा सादा और किसी को भी आसानी से समझ में आने वाला उपाय बताया था। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम् त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षायिष्यामि मा शुच। तू मेरी शरण में आ जा और मैं सब संभाल लूंगा। इससे बड़ा आश्वासन कोई क्या किसी को देगा, और आश्वासन भी स्वयं परमेश्वर का। भगवत गीता जो युगों युगों से जीव मात्र की मार्गदर्शक रही है और हमेशा रहेगी, जिसने दोराहे पर खड़े अर्जुन को सही रास्ता दिखाया और जो हमें भी सही रास्ता दिखाने के लिए हमेशा हमारे पास है। ईश्वर का हाथ हमें सहारा देने के लिए कब का आगे बढ़ा हुआ है, हमें तो सिर्फ थामना है उसको।